नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बैंकिंग लोचा में। आज आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना, आपके बहुत काम आएगी। देखो दोस्तों, आजकल बहुत ज्यादा तरीके से फ्रॉड चल रहे हैं। मैंने पहले भी फ्रॉड के ऊपर कई वीडियो बनाए हैं और आपको हर तरीके के फ्रॉड के बारे में बताया है। एक्चुअल में आजकल क्या है कि बैंकों में केवाईसी ज्यादा हो रहे हैं और केवाईसी के चक्कर में उसका नाजायज फायदा उठाते हुए जो हैकर्स हैं वो आपको फोन करते हैं कि भाई फलाने बैंक से बोल रहा हूं, आपके केवाईसी कंप्लीट नहीं हुए और आप केवाईसी करा लो। तो आप सोचते हैं कि यार ये बैंक से ही बोल रहा होगा तो केवाईसी मैं करवा लेता हूं, और फिर आप आधार कार्ड और पैन कार्ड का अपना पूरा डाटा उनको दे देते हैं और थोड़े देर के बाद आप देखते हैं कि आपके खाते से पैसा निकल गया। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही चीज बताने जा रहा हूं। देखिए, बैंक से फोन आएगा अगर आपके पास कि भाई केवाईसी आपके करने हैं और आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराइए, तो बैंक आपको बैंक में बुलाएगा, ना कि आपसे वहीं आपके डिटेल मांगेगा। डिटेल नहीं मांगेगा आपसे कि भाई आधार कार्ड की डिटेल दे दो, पैन कार्ड की डिटेल दे दो, ना आपसे कोई भी डिटेल फोन पर नहीं मांगेगा बैंक। बैंक आपको बैंक में बुलाएगा, ब्रांच में बुलाएगा, और फिर आपसे फोटोकॉपी बाकायदा लेगा, एक फोटो भी लेगा और आपसे आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटोकॉपी लेगा, फिर आपका CKYC बैंक करेगा। ठीक है, देखो दोस्तों कितना फर्क है। जो हैकर होगा वो आपको फोन पे कहेगा कि भाई फोन पे डाटा दे दो, लेकिन बैंक जब आपको बोलेगा तो बैंक आपको ब्रांच के अंदर बुलाएगा कि भाई ब्रांच में आकर के आप हमारे को ये चीजें दे जाओ। कितना फर्क हुआ। दूसरी बात देखिए दोस्तों, किसी भी गलत तरीके से आपके अकाउंट से अगर पैसा निकल जाता है तो आप क्या करें, तो उसके लिए देखो मैं आपके लिए बताता हूं कि अगर आप विदिन 3 डेज जैसे ही आपके खाते से पैसा निकल गया, आपको पता चल गया, क्योंकि मैसेज तुरंत आ जाता है मोबाइल पर, जैसे ही आपके पास मैसेज आया कि आपके पैसा खाते से निकल गया, अब आप कहेंगे मैंने तो निकाला नहीं, अब पैसा कैसे निकल गया। तो दोस्तों आप तुरंत सबसे पहले आप एक काम कीजिए, अपने जो टोल फ्री नंबर है अपने बैंक का, उस टोल फ्री नंबर पर अपना जो कार्ड है आपके पास ATM कार्ड, उसको ब्लॉक करा दीजिए सबसे पहले। जैसे आपका ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, दोबारा आपके खाते से कोई पैसे नहीं निकाल पाएगा। पहली चीज, जब आपका कार्ड ब्लॉक हो गया तो आप तुरंत थाने जाइए और एक एप्लीकेशन लिख के उनको दीजिए। FIR तो करते नहीं है थाने में इतनी आसानी से, लेकिन आप एप्लीकेशन लिख के अगर उनको देंगे कि मेरे खाते से ऐसे ऐसे मेरे पैसे निकल गए हैं और जो मैंने नहीं निकाले हैं, तो वो आपको मोहर लगा करके उस एप्लीकेशन पर दे देंगे। आप तुरंत उस एप्लीकेशन को लेकर के बैंक में जाइए और बैंक में एक एप्लीकेशन और लिखिए कि ऐसे ऐसे मेरा खाता है आपके ब्रांच में और मैंने जो ये पैसा निकला है वो मेरे अकाउंट से नहीं निकला, और आप उस पैसे को मेरा वापस कराइए। अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर ये कार्रवाई कर लेते हैं और 3 दिन के अंदर अंदर आप बैंक में ये एप्लीकेशन दे देते हैं, तो आप मेरी बिल्कुल सत्यियां बात मान लीजिए कि 100% आपका पैसा 10 दिन के अंदर अंदर आपके खाते में क्रेडिट करना ही पड़ेगा बैंक को। ये रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है।
बस आपको उसके लिए ये तीन काम करने हैं। सबसे पहले आपको अपना कार्ड ब्लॉक कराना है, दूसरा नंबर आपको थाने से एप्लीकेशन दे करके वहां FIR करानी है, तो FIR तो नहीं होती बट वो मोहर लगा करके दे देते हैं। उस मोहर लगी हुई एप्लीकेशन को और एक और हाथ से लिखी हुई एप्लीकेशन तुरंत अपने बैंक में जाकर के दीजिए। ये काम आपको 3 दिन के अंदर अंदर करना है। अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर ये काम कर देते हैं, अपनी कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं बैंक के अंदर, तो आपको हर हाल में बैंक को 10 दिन के अंदर अंदर पैसा देना ही होगा। जो अब पैसा गलत तरीके से आपका निकल गया है, चाहे वो किसी ने भी निकाला हो, वो आपको कोई मतलब नहीं है, मगर आपको वो पैसा हर हाल में रिजर्व बैंक की नई गाइडलाइन के अनुसार वो 10 दिन में बैंक को आपके खाते में क्रेडिट देना ही है। उसके बाद उसका प्रोसेस चलता रहेगा। हाँ, ये है कि आप उस पैसे को निकाल नहीं पाएंगे जब तक आपका प्रोसेस चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये नई चीज मैं आपको बता रहा हूं कि क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्रॉडी चल रहे हैं और हर तरीके से कोशिश करते हैं। कहीं से आपको फोन करेंगे लॉटरी खुल गई है, कभी करेंगे आपको मैसेज भेजेंगे कि आपका इतना पैसा आया हुआ है, इसके प्रोसेस के लिए आप ये नंबर दीजिए, खाता वगैरह डिटेल दे दो। आप कभी किसी को कोई डिटेल मत दो और इसके बावजूद भी आपका गलत तरीके से पैसा निकल जाता है, तो 3 दिन के अंदर अंदर आप बैंक में कार्रवाई कर दीजिए, तो आपका 10 दिन के अंदर अंदर आपको पैसा हर हाल में बैंक क्रेडिट देगा। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। ये नई रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस है, इसको आप फॉलो कीजिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।